दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी को रोकते समय गियर चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो पांचवें गियर में चल रहे होते हैं या चौथे गियर में चल रहे होते हैं। अगर उनको गाड़ी रोकनी होती है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गियर भी कम करते रहते हैं। तो गियर कम करने की जरूरत नहीं है, आप सडनली गाड़ी रोक सकते हो। वो लोग गलती क्या करते हैं, अगर पांचवें गियर में चल रहे होते हैं तो चौथा गियर करते हैं, तीसरा करते हैं, फिर दूसरा करते हैं और पहला करते हैं। तो ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी है। ऐसे रोकने से क्या होता है ना, आपकी स्पीड अगर ज्यादा होती है, गियर आप छोटा करते रहोगे तो इंजन पे लोड पड़ता है, झटका पड़ता है। तो अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना होता है। इंडिकेटर आप दोगे और तीनों मिरर में आप देखोगे कि पीछे तो कोई नहीं है। अगर पीछे कोई होगा तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। तो जब पीछे कोई नहीं होगा आप गाड़ी रोक दोगे। तो रोकने के लिए कोई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जिस गियर में चल रहे हो उसी गियर में आप रोक सकते हो। तो पूरा क्लच दबाओगे और पीछे देखोगे कोई आ तो नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे ब्रेक दबा दोगे। तो इस तरीके से आप गाड़ी रोक सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।